दूसरा दिन है यहाँ पे, सारे भाई आदमी बताओ बेचते कौन दूध की रहे। चाय बनाऊँ। कौन सा दूध की चाय, कौन कौन सा दूध है तेरे पास? दो दूध की थैली रखी यहाँ पे भाई, तीन वैरायटी है वो, दो एक ही थैली है नीली वो, वाली बनाऊँ या जो अभी लेके आए वो बनाऊँ, जो अभी लेके आए थे वो बनाओ। ये वाली ना। साहब दिमाग खराब हुआ पड़ा है, सारे लोंडे बिजी हैं। चेतन भाई अभी इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल रहे हैं अपनी, इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और व्लॉग को पूरा देखना। आज जो है तीसरा दिन, अरे भाई रुक जाओ, आज है तीसरा दिन व्लॉग का। शादाब भाई जो मेरे पीछे पानी बैठे, नहीं क्या है, व्लॉगिंग तो करने से बोले जा रहा, पानी नहीं है, दूध कौन सा डालू, ये कौन सा डालू, रुक तो जा भाई। भाई दो थैली लेके आए और वो भी एक अब वैरायटी भाई की है। कोई भी आई, मैं बोल लूँ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। रात को बारिश हुई थी यहाँ पे, कितने बजे हुई थी रात को? पूरी भाई पूरी रात में हुई रात ही है हुई है, और टेम्परेचर में थोड़ा आराम है। टेम्परेचर मतलब यहाँ पे मिनिमम 5 डिग्री है। अमन भैया बाहर गए हैं बालकनी में, ये देखो आ गए भाई। टाइम लैप्स कैसा रहा है शताब भाई? इंस्टाग्राम की पोस्ट डल गई, डल गई? सुबह सुबह उठते यही काम करा है सबसे पहले आपने? अभी नहीं डाली यार। बंदा फ्रेश भी नहीं हुआ, कह रहा पहले पोस्ट डालूंगा फिर फ्रेश होऊंगा। ये देखो ये देखो ये देखो, ये एक्साइटमेंट करवाना चाह रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि आखिरी दिन है। और हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम कसोल, कसोल शादा भाई कहाँ जा रहे हैं? कसोल कसोल, मनाली का आपने सब कुछ घूम लिया, बट ये था कि अटल टनल घूमेंगे। बट हमारा कल पोपलू कट गया, अटल टनल बंद थी, मतलब रास्ता ही बनता अटल टनल का। लास्ट 16 बजे तक गए थे वहां पे, हमने मजे करे। आपने जैसे वीडियो देखा होगा, लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा, कितने मजे करे हमने। और देखो यहाँ ये भी मजे कर रहे हैं ऊपर भाई, जाके। रहने दे यार। अब मेरे नौकर दिखाओ, नौकर जो लेके आए दिल्ली से, ऐसे आए नौकर भाई, ऐसे करो। अब जल्दी से यहाँ पे नहाना धोना करेंगे, उसके बाद मैं अब नहाऊंगा नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, नहाना मैं तो दिल्ली क्यों, में भी नहीं नहाना तो किसी नहाता को नहीं, बट बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है वो ड्रैग क्लीन हो क्यों जाती ज्यादा है, भाई, बोलना पड़ता है ना। वो ड्रैग क्लीन हो जाती यहाँ पे आके है। भी नहाएंगे, दिल्ली में तो नहाते नहीं, यहाँ पे भी आके नहाओगे क्या? उसके बाद तैयारी रोल के बाद मिलते हैं। अभी ब्रेकफास्ट हमारा आने वाला है, हमने बोल दिया है कि हमें ब्रेकफास्ट सर्व करवा दीजिए। अब ब्रेकफास्ट आएगा, फिर तैयार होंगे, फिर सीधा नमस्ते निकल भाई, जाएंगे कसोल के लिए। ब्लॉग पूरा देखना, 16 लाइक करना, शेयर करना, और जो जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करना, जो जो चैनल बने हैं भाई साहब, हमारा चैनल है तो लाइक कर तमाम। देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करने के 1 रुपया मिल जाएगा आप सबको। सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन पेटीएम नंबर, मैं करूँ, मैं क्यों करूंगा, आप करोगे, आपने बोला भाई। नहीं मैं करता भाई बोला, मैं कर दूंगा। लोग मनाली में आके खाना बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, और वो मैगी बहुत भाई, सब चीज बनाते हैं। एक चप्पल और का हमने क्या बनाया, हमने बनाया गाजर का हलवा, और वो भी देखो व्यू देखो। सुबह बहुत तेज बारिश पड़ी थी यहाँ पे, और अभी भी इतनी ठंड लग, हवा कितनी तेज चल रही है। अभी ब्रेकफास्ट नहीं खाया, जो मैंने बोला था ब्रेकफास्ट खाएंगे फिर तैयार होंगे। बहुत कम लोग हैं जो हलवा बनाते हैं मनाली में आके, और रात का जो प्लान है वो आपको बता देंगे कि मैंने बनाया था, मैंने वो यही बनाया हमने, यही वो कैंपिंग का प्लान बन रहा है रात में। कसोल तब जाएंगे, वहां पे हम कैंप में रुकेंगे, क्योंकि होटल में मजा नहीं, होटल के तो हमने 2-3 दिन मजे ले लिए, चित्र लेने थे, तो लेकिन इसलिए अब हमने हम कैंप के मजे लेंगे कसोल में जाके। वाह भाई, ओए भाई जॉब जानदार, थैंक यू बोलो, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत टेस्ट करा, थैंक यू। इसके बाद ब्रेकफास्ट खाएंगे फिर तैयार होंगे, पता नहीं तैयार कब होंगे, पता ही नहीं चल रहा, शेड्यूल ही बिगड़ा हुआ है पूरा। सारे पैकिंग करते हुए अमन भाई और चेतन भाई, करो पैकिंग करो, और अभी सामान सारा बिखरा हुआ है, अभी सब सेट करना है। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक दूसरे की छटका रहे हैं कमर। और भाई अभी अभी से ही निकल रहे हो क्या, रुक तो जाओ थोड़ा यार, पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, कब से बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, तो मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊंगा, लड़ाई होती है फिर बाद में। हाँ ये तो बात है, करा तूने नहीं करा तो ये रह गया, तो इसलिए अपना पहले और क्या। भाई अभी आया भाई, तैयार क्यों नहीं हो रहे मेरे को ये तो बता दो भाई, बैग में से कपड़े निकलेंगे जब तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करा दे तैयार हो गए भाई। शादा भाई तो देखो तैयारी में लगे पड़े पूरी, भाई कितने बैग रख रखे हैं, सब वही वही से आए जा रहे हैं। अभी आप आ गए भाई, तैयार कब हो गए भाई? होएंगे यार, ब्रेकफास्ट में भी तैयार होगा, कब होएगा यार? 1.5 घंटे से ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम, गाजर के हलवे से काम चलाया हमने। कार रखोगे? सुनो ये रख दो, अभी टेबल अभी गंदे हैं। जाने का समय आ गया है, जैसे आपको पता है हम मनाली में हम 3 दिन के लिए रुके थे, हमने 3 रात या 2 दिन काटे थे। तो जो सर्विस दी थी ये उमेश भाई हैं, ये जो होटल है इनके मतलब मैनेजर हैं यहाँ के उमेश जी, और इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड करी थी ना हमें, बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी थी, इनका स्टाफ भी एक नंबर था, और
ब्रेकफास्ट जो हमने डिनर खाया उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। तो भाई आपको अच्छा लगा, जैसे हमारा जो ग्रुप आया है कैसा लगा आप ये बताइए। भाई हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे लोग आए इंजॉय करें और अच्छी से अच्छी सर्विस हम दे पाएँ, हमारी हॉस्पिटलिटी अच्छी हो और लोगों को अच्छा लगे। और हिमांशु भाई आए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। हिमांशु भाई की तरफ से, हिमांशु सिंह वाईटी की तरफ से जो भी आएगा उसको हम बेस्ट से बेस्ट ऑफर देंगे और जितनी अच्छी सर्विस हमसे हो सकेगी हम उससे अच्छी सर्विस देंगे। होटल बहुत अच्छा है, इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और बेस्ट रूम प्रोवाइड करा था अपने होटल का। रेस्टोरेंट भी अच्छा था, इन्होंने हमें डीजे नाइट भी प्रोवाइड करी, इन्होंने हमें बॉनफायर भी प्रोवाइड करा है। और देखो लोकेशन बहुत बेस्ट है, एक तो पीछे का व्यूज आपको दिख रहा होगा, पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। और ये वाली जो रोड है ये कुल्लू से सीधा आ रही है, कुल्लू से सीधा जाके ये जा रही है मनाली की ओर पे, ये वाली जो रोड जा रही है सीधा मनाली जा रही है, उसके बीच में उमेश भाई का ये प्यारा सा होटल, बहुत ही मतलब बढ़िया होटल, मतलब मज़ा आ गया। पिछली बार मनाली आया था बट उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, बट इस टाइम जब मैं आया मेरा अंदर से जैसा होता है ना, एक तो भाई को देख के, भाई भी अपने बहुत अच्छे हैं और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और हमें और खुशी मिली कि भाई भाई के साथ एक जाते जाते छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाए। और अमन भाई पीछे कैमरा लेके खड़े हैं, वो बोल नहीं पा रहे बेचारे, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ और हम सारे दोस्तों की तरफ से बोल रहा हूँ, भाई उमेश भाई थैंक यू सो मच हमें इतनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आप जब भी आएंगे आपको इससे अच्छी सर्विस ही मिलेगी। बिल्कुल, और मैं तो बिल्कुल, और अगर किसी को आना है ना यहाँ पे मना तो यहीं पर रुकना, डोमिया माउंट व्यू पैलेस, आपको गूगल पे भी अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे भी आराम से मिल जाएगी, कोई लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और भाई को आप मेरा नाम बोलते ना आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, भाई का नंबर और भाई की लोकेशन, भाई का व्हाट्सएप नंबर सब मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, भाई के नाम से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। बिल्कुल, और उमेश भाई थैंक यू सो मच, अब जाने का समय आ गया, अगली बार आएंगे आपके पास रुकेंगे, ठीक है, ओके बाय। कसोल के रास्ते में रुके हैं, यहाँ पे मौसम बहुत ही मतलब ज़्यादा बारिश वाला है और धुंध भी हो रही है बहुत सारी। यहाँ थोड़ा सा हमने छोटा सा ब्रेक लिया है चाय के लिए, चाय ब्रेक, चाय ब्रेक, हाँ वही चाय टी ब्रेक, मजा आ रहा है बहुत, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कसोल पता नहीं, मैं भूल गया आज ना था, नशा हो गया, नशा हो गया किस चीज़ का, चाय का, ठंड का। यहाँ का वेदर देखो कसोल का, बस 2 किलोमीटर दूर है कसोल से हम, ये एक अपनी एक गाड़ी और वो अपनी दूसरी गाड़ी, बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है और यहाँ पे सारे अपने लोंडे लपाड़े। हाँ भाई हेलो करो, आए करो, आए, हाय भाई, ढीले ढीले क्यों हो गए, वेरी गुड, अब आया थोड़ा जोश, चलो आओ चलो गाड़ी में बैठो, आओ आओ। ओ कैंप में एंट्री होते हुए हमारी, हेलो, ये रूम, हाँ ये रूम, हीटर नहीं दोगे, हीटर सर पेड़ है, इधर ठंड में हम कैसे जीवित रहेंगे, रूम अच्छा है, रूम अच्छा है, नहीं अंदर नहीं जा रहा, फोटो के ऊपर लड़ रहा है, ये व्यू देखो पीछे का गाइस, पार्वती वैली का जन्नत, और ये अपने कैंप सारे, पहली बार एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं कैंपिंग का, मैंने कभी कैंपिंग करी नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं करण, अमितेश, रोमिल, उन्होंने कैंपिंग करी थी कसोल में ही आके, तो हमने सोचा हम भी ट्राई करें, और अपने तो 11 जने हैं, होटल ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे, बट तो कैंप ठीक है ना, ज़्यादा सस्ते हैं क्यों भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा इतने महंगे हैं नहीं, नहीं बट इसमें जो तो तुम्हारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं हीटर के और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें एडिशनल चाहिए उसके अलग एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। फिर मैं उतर रहा था वहाँ से रास्ता, था देखो ऊपर से रास्ता था, वहाँ से मैं उतर रहा था तो DSLR कंफर्टेबल नहीं था, हैवी बहुत है तो लेके चलने में दिक्कत भी होती है, तो इसलिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, ठंड बहुत है। ओ बेटा जी
अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, पार्वती वाले के पास आया अभी 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 भाई ने बताया कि यहाँ पे ओ बताना भाई क्या कह रहे थे। चार पाँच दिन हो गए सर यहाँ पे, एक बच्चा मम्मा मम्मलम मदर ने हाथ में पकड़ा था, 10 साल का बच्चा सर, पुल से गिर गया सर नीचे। और सर इसमें गिर गया, अभी तक रेस्क्यू वाले ढूंढ रहे हैं पर मिली नहीं है लाश। उन्होंने हमें बोला कि इससे थोड़ा दूर रहना क्योंकि प्रेशर आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर है वहाँ पे। अपने कैंप के ऊपर देखो वैसलीन दे दो, होंठ फट रहे हैं भाई। क्या फट रहा है? होंठ। दो तीन सामान की वजह से इन्होंने पूरी गाड़ी खुलवा दी भाई। इतना लापरवाह क्यों था भाई? इतने मतलब केयरलेस इतने हैं, इनकी वजह से गाड़ी खुली है। गाइस आप लोग बताओ कि हमारे पास चार्जर नहीं है तो हम कैसे जिंदगी तो बिताएं? भाई वो फोन ही डाउन हो जाएगा। अभी कैंप हमारे बहुत नीचे, ऊपर चढ़ के आए हम 2 किलोमीटर रोड पे। ये घूमने भी आए हैं, आलस भी बहुत है रे, देख लो इनको। यार एक बार बताओ, ये हमारे राइजिंग स्टार हैं, बनने वाले राइजिंग स्टार, देख लो। और आप टेंट में जाएंगे, सारा सामान ले लिया। ये अपना कसोल एडवेंचर कैंप, और ये देखो ओए होए, ये अपना कैंप है ना, बढ़िया नाइट व्यू। अब अंधेरा हो गया, आपको कुछ नहीं दिख रहा बट आवाज़ आ रही होगी। अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना, आवाज़ आ रही होगी पार्वती वैली उसकी। अरे इस गाड़ी की आवाज़ आई, अभी ध्यान से सुनना। कसोल एडवेंचर कैंप, कैंप का व्यू देखो नाइट में। ओए होए, कैंप में हीटर का है। रात का खाना खाते हुए ये अपनी प्लेट लग गई। वहाँ पे जो पब्लिक इकट्ठी हो रही है वो सारे अपने लोंडे खाना ले लेके आ रहे हैं। बुफे लगा हुआ है, बैठेंगे। लाइट थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे लाइट की थोड़ी दिक्कत है, बाकी कैंप बहुत अच्छा है। अगर आप मैं ये सोच रहे हैं कि आप कैंपिंग करेंगे, जैसे मौसम में बारिश का हो रहा है, पूरी रात बारिश पड़नी है, आपकी मतलब प्लानिंग पूरी बेकार है। और वो सारे आ रहे हैं, उसके बाद फिर खाना अपना फिनिश करते हैं।